सहे, तुम क्यों खामोश हो? सोच रही हूँ कहीं उन्हें अक्सर हमारे रात के बाहर आने जाने पर शक तो नहीं हो गया। अरे नहीं यार, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा ना होता ना, वो इतना बड़ा कदम कभी ना उठाती। कोई तो बात जरूर है जिसकी वजह से उन्होंने डबल चेकिंग के लिए इंचार्ज हायर कर लिया। यार हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारियां कम करना चाह रही हो। ऐसे भी इतनी लड़कियों को संभालना आसान तो है नहीं। वो भी हम जैसी। अच्छा ओके, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें बहुत एहतियात करनी होगी। और तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को समझा देना कि यूनि के गेट के बाहर से दूर रहे, कहीं ये ना हो सब कुछ बिगड़ जाए। ठीक है, मैं तो उसे कह दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन एक मसला है, वो मुफ्त के पिज्जा और बर्गर का क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, हॉस्टल की बासी नान खाने पड़ेंगे, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। तहर बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले हमें शाजिया मैडम को समझना होगा, फिर उसके खिलाफ या उसके साथ। वैसे मेरा ख्याल है मैं क्लास में जाना चाहिए। क्लास में? अभी से? अभी तो पूरी यूनिवर्सिटी का राउंड लेना बाकी है। यू नो ना, मेरे फैशन और मेरी ड्रेसिंग को कितनी लड़कियां कॉपी करती है। तो ये क्लासी सूट और ये बैग किसी की नजरों में आए बगैर रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। चलो उस तरफ, वहां दो लड़के हैं। तो क्या वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं? चलो एक मिनट गर्ल्स, टाइल प्लीज। ये भेजा है? तुम्हारे ससुराल से आया है। मैं तो नहीं पहनूंगी ये। कैसे नहीं पहनोगी यार, उन्होंने भेजा है, तुम्हारी मंगनी का जोड़ा है। तुम कपड़े तो देखो, गज गज लंबी कमीज है, ये मेरे साइज तक का नहीं है। इससे बहुत बेहतर है कि मैं अपनी अलमारी से निकाल के डिसेंट सूट पहन लूं। यार फिटिंग तो शाम तक हो जाएगी। और कलर? कलर कौन चेंज करेगा? सब जानते हैं कि मुझे पेस्टल्स पसंद है। अरे यार, कपड़े पहुंच गए, मिठाई पहुंच गई, जेवर पहुंच गए, सब कुछ बहुत अच्छा है। माँ को भी बहुत अच्छा लगा है। बहुत तारीफ कर रही है आपकी पसंद की। बिल्कुल ठीक है, मैं शफकत साहब को बता दूंगी। ठीक है भाभी, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? नहीं ठीक, इसको जोड़ा पसंद नहीं आ रहा। अम्मी ये सूट मेरे साइज का नहीं है, और कलर तो देखें। मैं जानती हूँ बेटे, दूसरों की पसंद पे खुद को राजी करना आसान नहीं है, मगर उनका मान रखना भी तो तुम्हारा ही काम है ना। और कौन सा तुमने सारी जिंदगी उनकी पसंद के कपड़े पहने, बस ये एक दफा है, ज्यादा से ज्यादा दो दफा। मगर अम्मी, मैंने कहा ना बेटा, बस आखिरी बार। क्या फिटिंग विटिंग ठीक करानी है? बताओ। ताहिरा को भेजूं? इसकी लेंथ बहुत लंबी है। चलो मैं भेजती हूँ ताहिरा को, वो देखती है क्या कर सकती है। चलो। मतलब मंगनी पे भी इंसान अपनी पसंद का जोड़ा नहीं पहन सकता। कोई बात नहीं, फिटिंग हो जाएगी, अच्छा लगेगा। दिखाओ। सही लग रहा है।